students of class 5 good morning today we study english grammar the third chapter pronoun what is pronoun kya hai pronoun ko hindi mein sarvanam kaha jata hai so pronouns are used in place of nouns Pronouns are words used in place of, instead of nouns. Pronoun वह शब्द है जो nouns के बदले में प्रयोग किया जाता है. Pronouns make it easier to speak and to read about sentences. Pronouns make It easier to speak and to read about something or sentences easier. Pronouns make the sentence better easy. If you use the noun again and again, it is not गुड यदि हम नाउन को बार बार किसी भी सेंटेंस को बार बार एक ही नाउन को प्रयोग करते हैं तो इससे वाक्य की जो सौंदर्य है वाक्य का जो बनावट है वह बेहतर नहीं लगता है वह इजी महसूस नहीं होता है तो इस दृष्टिकोण से भी कि वंस ए टाइम वी यूज अ नाउन एंड In the next sentence, we use the pronoun of the same noun. इस प्रकार से मान लीजिए कि एक सेंटेंस है जिसमें हमने नाउन का प्रयोग किया सपोज दैट राम इज ए स्टूडेंट राम इज ए गुड स्टूडेंट राम कम्स टू स्कूल इन टाइम राम रिमेंबर हिज लेसन रेगुलरली Ram goes to house on foot. You have already seen that the word Ram, a noun, has been used many times. It is not easier for the sentence, and these sentences are not. Good. Or if you use the word Ram once a time, Ram comes to school in time. He remember his lesson regularly. He goes to house on foot. He prepares his lesson. Regularly. So in this way, once a time we use the word name Ram, and thereafter we used pronoun he in place of Ram. तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि मान लीजिए once a time Ram शब्द का प्रयोग किया और उसके बाद Ram के बदले में जो प्रणाम उसका है ही उसका प्रयोग किया तो उससे वाक्य की जो बनावट है बेहतर है बेहतर भी हो गया वाक्य और इजी हुआ बोलने में भी सुनने में भी पढ़ने में भी देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि प्रोनाउंस आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउंस इट मेक प्रोनाउंस मेक इट इजियर टू रीड टू स्पीक About something or about the sentences. और an example, एक और भी example है Gita would go to the windows of the tower. One sentence, Gita would go to the windows of the tower. Gita, let Gita's hair down. Gita would
कह गीता ध्येय गीता उद्गम गीता ध्येय तिल गीता ध्येय सुन। तो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द वर्ड गीता हैज बीन यूज्ड मेनी टाइम्स। सो दिस इज नॉट अ गुड इंग्लिश, दिस इज नॉट ए गुड इंग्लिश सेंटेंस। और इफ वी यूज वर्ड गीता वंस ए टाइम इन गीता गीता इज गीता वुड गो टू द विंडोज ऑफ द टावर गीता वुड गो टू द विंडोज ऑफ द टावर लेट हर हेयर डाउन सी वुड कॉम हर हेयर टिल हर हेयर शोन ब्राइटली। तो इट इज सो मच बेटर। यदि मान लीजिए हमने वन सेकंड गीता वर्ड का प्रयोग किया, उसके बाद गीता का प्रणाम ही सी का प्रयोग किया, गीता का प्रणाम सी का प्रयोग किया, तो इससे वाक्य की सुंदरता बढ़ गई और इजी हुआ। इसलिए हमने वन सेकंड गीता वर्ड का प्रयोग किया। और नेक्स्ट टाइम एवरी डे गीता गो टू द विंडोज ऑफ द टावर एंड लेट हर हेयर डाउन सी वुड कॉम हर हेयर टिल इट शोन ब्राइटली। इस प्रकार से वन से टाइम गीता का प्रयोग किया और नेक्स्ट टाइम जो गीता वर्ड आया है उसके बदले में गीता वर्ड बदले में हमने सी का प्रयोग किया। इससे तो गीता का प्रणाम सी का प्रयोग किया, जिससे कि सेंटेंस की जो बनावट है और पढ़ने रीड करने में भी बेहतर हुआ। इसलिए गीता का प्रणाम सी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इंग्लिश में नाउन के बाद प्रणाम और फिर प्रणाम काइंड्स ऑफ प्रणाम। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रणाम। अब हम प्रणाम के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। प्रोनाउंस कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। प्रोनाउंस कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं निजवाचक सर्वनाम हिंदी में। तो पर्सनल प्रोनाउंस आर वर्ड्स लाइक आई वी यू ही सी इट दे। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम द एल्डेस्ट बॉय इन द फैमिली। यह पर्सनल प्रोनाउन इज आई। सेकेंड यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। इन दिस सेंटेंस यू इज द पर्सनल प्रोनाउन। ही इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। इन दिस सेंटेंस ही इज द पर्सनल प्रोनाउन। नाउ यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन। नाउ सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। आपके विद्यालय का क्या नाम है। वेयर डू यू लिव एट। व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री। सो दिस हियर व्हाट वर्ड व्हाट इज द व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। थर्ड टाइप पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन दिस पेन इज माइन। दिस पेन इज माइन। सो माइन इज द पॉजेसिव प्रोनाउन वर्ड एम आई एन माइन। माइन इज द पॉजेसिव प्रोनाउन। फोर्थ टाइप प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर एग्जाम्पल रोहन विल डू हिज वर्क हिमसेल्फ। रोहन विल डू हिज वर्क हिमसेल्फ। स्टूडेंट रोहन का प्रोनाउन यहां ही और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रोहन का हिमसेल्फ। रोहन विल डू हिज वर्क हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिफ्थ टाइप रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन दिस इज द हाउस। दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस।
नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस. सेकेंड सेंटेंस, आई वॉज बॉर्न इन दिस हाउस. वी कंबाइन द टू एवर टू सेंटेंसेज एंड मेक वन सेंटेंस. दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न. दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न. सो हियर रिलेटिव प्रोनाउन इज विच. दिस इज द हाउस विच आई वॉज बॉर्न. Now you have understood already about pronoun, what is pronoun and what is the importance of using pronoun in a sentence. You also understood, you also now know about the different types of pronoun. In your textbook there are some exercises to do, there are some fill in the blanks in the questions, in the exercise you will do in your notebook. So today you understood, today you studied about pronoun. Okay, thank you. Next day we study about articles.